सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है ये, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 2 एंड -1, x इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमको सबको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। वीडियो देखने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जिसको भी डेरिवेशन चाहिए इस फॉर्मूले का वो आई बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर देखें, पूरा डेरिवेशन आपको समझ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं इसमें। तो डिस्टेंस हमको दी हुई है 5, तो अगर मैं ए बी पॉइंट्स कंसिडर करूँ तो ए बी हमको दिया हुआ है 5, तो ए बी स्क्वायर ले लेते हैं ताकि रूट हट जाए, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 + 1 या 2 मैं आपको बता देता हूँ पूरा ही, 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 + x का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 - 4x इज इक्वल टू 25। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर लगाना, डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। बहुत बच्चे कर जाते डायरेक्ट, बोले सर हमको पता नहीं था डायरेक्ट करना है कि वो स्क्वायर लगाना, तो होता ही नहीं है वो मेथड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो 9 + 4 कितना हो गया 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 - 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 को ब्रेक करना है तो हम कह सकते हैं 4 - 3 = 12 होता है, 6 - 2 = 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 2x - 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 6 बचा, -2 कॉमन ले लिया, x प्लस 6 बचा इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 कॉमन, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 6 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6, और x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमारे पास दो वैल्यूज आई -6 और 2। तो ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जो लोग पहली बार चैप्टर को देख रहे हैं या वीडियो पे आए हैं डायरेक्ट, उनके लिए बता दूं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने बताया था, सेक्शन फार्मूला से आता है। x की वैल्यू कितनी होती है x1 + x2/2, और y की वैल्यू होती है y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट पूछ रहा है ए बी का, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो कितना होगा, x1 इधर लिख देता हूँ x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। इसमें रख दो x1 कितना है -2 - 6/2 कॉमा 8 + -4/2, तो -8/2 - 4 - 8 - 4/2 कितना हो गया 2, -4/2 इसका क्या हो गया मिड पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो गया -2 - 6 - 8/2 - 4, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड द पॉइंट्स अबव आर द वर्टिसेस ऑफ, ये देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया क्योंकि हमको ये बतानी है कौन सी शेप है ये। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा सबसे पहले क्या निकाल लो, ए बी निकालो, ए बी वो कितना आएगा ए बी डिस्टेंस, तो 9 - √9 - 9² प्लस 6 - 0² तो ये कितना हो गया 9 - 9 = 0² प्लस 6² = 36, तो ये कितना हो गया √36 6 units। नेक्स्ट निकालते हैं BC, तो BC मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -9 - 9² प्लस 6 - 6² तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -18² प्लस 0² तो -18² 324, उसका स्क्वायर रूट वो कितना हो गया 18 units। CD निकालते हैं, CD कितना आ रहा है -9 - 9 - 9 + 9² प्लस 0 - 6² तो वो कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0² प्लस 6² 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 units।
एसी ए बी बी सी सी डी ए डी निकालते हैं, ए और डी माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 18 का स्क्वायर, वो कितना होता है 324, 324 का स्क्वायर रूट वापस 18 यूनिट्स। अब देखो ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए डी, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब पैरेललोग्राम तो कंफर्म है। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या नहीं वो कैसे निकालेंगे, पता कैसे करेंगे, ए सी निकालो, ए सी तो ए सी कितना आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 36, 324 प्लस 36 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 610, 3 प्लस 4 56 और 360, स्क्वायर रूट ऑफ 360 या कह सकते हैं 6√10। ऐसे ही अब निकालो बी डी, पी डी कितना आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9, सेम आ रहा है माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा 6√10। तो इसका मतलब हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी आया एंड बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है बी डी, है ना, मतलब डायगनल्स इक्वल आ रही है एंड अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब शेप क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि लेंथी था थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आप तो डिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें। ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हूज थ्री वर्टिसेस आर दिस, द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज, लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी है। अब तीन वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं ए ओ बी सी, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फोर्थ वर्टेक्स तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम में हमको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है ए ओ बी सी, है ना, अब लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी है हमको, तो ए बी हमको दिया हुआ है तो ए बी की डिस्टेंस निकालो, लेंथ ऑफ डायगनल होगी, डायगनल रेक्टेंगल की डायगनल इक्वल होती है इन लेंथ, तो चाहे ए बी निकालो चाहे सी ओ निकालो एक ही बात है, तो ए बी निकाल लो सिंपल सा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट 34, तो डायगनल की लेंथ कितनी आ गई रूट 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू एंड आर देन फाइंड द वैल्यू, अच्छा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हमको दे दिया इसने, तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हम भी निकाल लेते हैं, क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो प्लस माइनस टू अपॉन टू कॉमा वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है 5 प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है ये होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट अपॉन टू माइनस फोर कॉमा एट अपॉन टू फोर, अब ये दिया हुआ है मिड पॉइंट और हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है ये, तो ऑन कंपेयरिंग क्योंकि हमको क्वेश्चन में मिड पॉइंट ए बाय थ्री कॉमा फोर दिया रहा, हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस फोर कॉमा फोर, तो ऑन कंपेयरिंग यू गेट ए बाय थ्री, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर कर लो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ट्वेल्व, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये यहाँ पे हमको कहता कि ये बी दिया हुआ है तो हम बी निकाल लेते। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन क्वेश्चन की। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट, अगर वीडियो समझ आया तो लाइक जरूर करिएगा।